नमस्कार दर्शकों, दर्शकों आज विशेष उपाय में हम चर्चा करने वाले हैं जिन घरों में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, बिजली से संबंधित कोई भी ऐसा उपकरण खराब हो जाता है, बार बार उसे रिपेयर करवाना पड़ता है या उसमें आग लग जाती है, जल जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान। बहुत घरों में ऐसा होता है, हमारे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि पंडित जी हमारे घर में बार बार हमारा इन्वर्टर जल जाता है, ख़राब हो जाता है, हमारा पंखा, हमारी प्रेसें या माइक्रोवेव या फ्रिज बार बार उसमें खराबी आ जाती है, जल जाते हैं, बहुत सारा पैसा उसमें चला जाता है। तो मित्रों उनके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। आज वो उपाय मैं YouTube पर सार्वजनिक कर रहा हूँ सभी के लिए। एक्चुअल में ये जो समस्या आती है, ये समस्या कुछ ग्रहों के खराब स्थिति के कारण आती है, जिनमें सबसे मुख्य ग्रह होता है राहु और दूसरा मुख्य ग्रह होता है मंगल। कभी कभी किसी की कुंडली में राहु और मंगल से अंगारक योग लग जाता है तो घर में अग्नि से संबंधित अधिक परेशानियां होती हैं, दुर्घटनाएं, आगजनी अधिक होने लगती है और व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत आता है, बात बात पर वो अग्नि की तरह भटकने लगता है, अंगारे की तरह जलने लगता है। और साथ में इन घरों के अंदर रोग भी अधिक होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट से संबंधित परेशानियां, जलन, एसिडिटी, अल्सर आदि की समस्या इन घरों में ज़्यादा रहती है। जिन लोगों को ये समस्या रहती है, अक्सर उन्हें पीड़ित देखा गया है कि उनकी समस्या का समाधान कहीं से भी नहीं हो पाता। इसी को देखते हुए आज का उपाय बता रहा हूँ, बहुत सरल सीधा उपाय लेकिन बहुत ही कारगर उपाय। जिन लोगों को मैंने ये उपाय आज तक बताया है, 99% लोगों को उससे लाभ हुआ है। मित्रों ये उपाय है, आपने पंसारी की दुकान पर जहाँ पर औषधियाँ मिलती हैं, सामग्रियाँ मिलती हैं पूजा की, वहाँ पर जाना है और वहाँ से 100 ग्राम चंदन का पाउडर लेकर के आना है, चंदन का पाउडर, और थोड़ा सा 100 ग्राम या 50 ग्राम गंगा जल ले लें या मंदिर से ले लें या आपके घर पे हो, तीनों ही चल जाएंगे। मंगलवार का दिन हो, सुबह नहा धोकर आप उस चंदन पाउडर को एक कटोरी में, मिट्टी की कटोरे में या किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख लें और गंगा जल उसमें मिला करके उसको आटे की तरह गूंथ लें। जैसे मिट्टी को हम गूंथते हैं या आटे को गूंथते हैं, कुम्हार आटे को, मिट्टी को गूंथता है, वैसे उसको तैयार कर लें। अब उस चंदन पाउडर की, बने हुए आटे की आपने 11 गोलियां बनानी हैं। जैसे गोल गोली गोले हम बनाते हैं घर पे, आटा होता है, वैसे छोटे छोटे गोले बनाने हैं। 100 ग्राम के आपने 11 गोले बनाने हैं। बना करके आप उसे एक प्लेट में रखें और उसे सुखा लें। जब वो शाम तक सूख जाए तो शाम को 4-5 बजे के बाद एक लाल कपड़े की छोटी सी थैली लें, घर पे कोई भी लाल कपड़ा हो, नया हो लेकिन पुराना ना हो, या मार्केट से छोटा कपड़ा लें, उसकी एक छोटी थैली बना करके पूरी 11 गोलियां उस थैली में डालकर ऊपर से उसे आप बंद कर लें।
धागे से बना करके पोटली बना लें उसकी। अब इस पोटली को आपने अपने भवन, अपने मकान जहां आप रहते हैं उसमें, घर का जहां मध्य स्थान पड़ता हो, बीच का स्थान पड़ता हो, सेंटर या सेंटर के आसपास, आप उसे छत से हैंग कर दें, लटका दें। ये ध्यान रखें कि वो दीवार के साथ नहीं लटकाना है, उसे हवा में झूलते रहना है। तो छत पर किसी तरह से छेद करके या पंखे की हुक के साथ आप उसे लटका देंगे। ये है आपका उपाय। अब इस उपाय का आपने लगातार 43 दिन तक उसे वहीं उसी स्थान पर स्थापित करना है। 44वें दिन उसे उतार कर मिट्टी के छोटा सा एक आप कसोरा ले लें, एक मटकी ले लें, उसमें उसे डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर बंद कर दें और उस ढक्कन को भी आप अच्छे से आटे से या मिट्टी से बंद कर दें। और ले जाकर उसी दिन जब भी आप उतारें, सुबह या शाम तक कभी भी उतार सकते हैं 44वें दिन, और जा कर के उसे नदी में प्रवाहित कर दें। मित्रों, इतना सा उपाय आप करें, आपके घर में कितना भी सामान खराब होता हो, बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स का बंद हो जाएगा। राहु से संबंधित अगर आपकी कोई तकलीफें बढ़ रही थी, समाप्त हो जाएंगी। अगर ये सब समस्या आपकी महादशा में है कि राहु की महादशा है, उसकी अंतरदशा है, तो भी राहु की परेशानी से बचने के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। बीमार लोग जिनकी बीमारी अक्सर गंभीर रूप लेना शुरू कर देती है, या जिन लोगों को तकलीफें बढ़ती रहती हैं, उपचार लगातार चल रहा है फिर भी उस उपचार का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब रास्ता कहां से निकले, या आपके घर में बार बार झगड़े बढ़ रहे हों, हर बात पे कहासुनी होती हो, पति पत्नी का झगड़ा रहता हो, बाप बेटे का झगड़ा रहता हो और सास बहू का झगड़ा रहता हो, कुल मिलाकर के जिस घर में कलेश जाता नहीं है, किसी ना किसी रूप में आता रहता है, उसके लिए ये रामबाण उपाय है। बस आपको विशेष ध्यान ये रखना होता है कि उतने दिन तक आप शुद्ध रहें। 43 दिन तक एक तो आप घर में शराब पीकर के बिल्कुल ना आए, ना ही किसी को आने दें। दूसरा, सूतक और पातक के वाले घर में यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश जाता है तो वहाँ से कहीं बाहर से ही शुद्ध होकर स्नान करके अपने घर पे आए। इसके अलावा यदि आप राहु से परेशान हैं तो एक मणि आती है जिसका नाम है मच्छ मणि, जो बहुत ही दुर्लभ है और राहु के परेशानियों को दूर करने के लिए रामबाण मणि है। उसकी मैंने वीडियो दे रखी है, आप YouTube पर पंडित रोहित शर्मा मच्छ मणि लिख करके सर्च कर सकते हैं, या टाइटल में लिखें हीरा पन्ना पुखराज नीलम से भी पावरफुल है मच्छ मणि, ऐसा यदि टाइटल लिखेंगे तो हमारा वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मणि है और अगर आप इसे गले में साथ में धारण कर लेते हैं और उधर से ये उपाय शुरू कर देते हैं 43 दिन वाला, तो आपको 44वें दिन से पहले ही लाभ होने शुरू हो जाएंगे, आपके नुकसान से आप बच जाओगे, आपकी समस्याओं से आप बच जाओगे। मित्रों, अवश्य ही ये उपाय करें। जब ये उपाय पूर्ण हो जाए, इससे जो आपको लाभ हो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें, हमें बताएं, हमें फ़ोन करके बताएं, इससे और लोगों को भी फायदा हो इसलिए आप इसे शेयर भी करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करने के लिए आप फेसबुक पर
एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट रोहित शर्मा लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर पंडित रोहित शर्मा लिखें, खबरी चैनल पर भी आप हमें हर रोज का राशिफल देख सकते हैं। तो ये था विशेष उपाय इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान उपकरण यदि खराब हो रहे हों उसके लिए विशेष उपाय। नमस्कार दर्शकों,